अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम सबक नबियों की दुनिया में आमद की एक्सरसाइज करेंगे। आप लोग अपनी कॉपीज पे बहुत ही नीटली इस काम को करें। उससे पहले आप लोगों ने मार्जिन लाइन भी लगानी होती है, करेक्शन कॉलम बनाना होता है, इस्लाह का कॉलम जो है, और डेट, डे और डेट वगैरह जो जमात का वगैरह है सी डब्ल्यू, इसको ऊपर ज़रूर मैंशन करना है आप लोगों ने। और ये कॉपीज़ आप लोगों के जो बड़े हैं, आपके पेरेंट्स हैं, उससे ज़रूर चेक होनी चाहिए, ठीक है, कोई बीच में गलती वगैरह ना रहे। अपनी इस सबक की मश्क को शुरू करते हैं। सबक का उनवान लिखें आप लोग, ऊपर ये जमात का काम, आज तारीख और दिन वगैरह लिखने के बाद सबक का उनवान दुनिया नबियों की दुनिया में आमद सबक का उनवान है। इसमें पहला सवाल है, खाली जगह पुर करें। पहला सवाल है हमारा, खाली जगह पुर करें। इसमें नंबर एक है, जब भी अल्लाह ताला, जब भी डैश ने लोगों को किसी काम करने का हुक्म दिया तो मदद के लिए नबी भेजे। जब भी डैश ने, यानी जब भी अल्लाह ताला ने लोगों को किसी काम करने का हुक्म दिया तो मदद के लिए नबी भेजे। नंबर दो है इसमें, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डैश नबी हैं, आखिरी नबी हैं। इसमें नंबर तीन है, कुछ रसूलों को अल्लाह ने डैश भी अता की, आसमानी किताबें भी अता की। आगे नंबर चार है, अल्लाह ताला ने अपने जिन पसंदीदा बंदों को नबूवत दी वो भी आम डैश की तरह थे, आम इंसानों की तरह थे। तो नंबर पाँच है, दुनिया में कौमों को अच्छी बातें सिखाने के लिए डैश और डैश आए, नबी और रसूल आए। इसके बाद सवाल नंबर दो है हमारा, सवालात के जवाब लिखें। इसमें पहला सवाल है, अल्लाह ताला ने दुनिया में अंबिया क्यों भेजे। इसका जवाब है, अल्लाह ताला ने इंसानों को दीन की तालीम और अच्छी बातें सिखाने के लिए दुनिया में अंबिया भेजे। सवाल है, नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। इसका जवाब है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम इंसानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। उसके बाद हमारा अगला सवाल है कि दुनिया में कुल कितने अंबिया भेजे गए। इसका जवाब है, 1,24,000। उसके बाद अगला सवाल है, किस आसमानी किताब को आखिरी और मुकम्मल कहा जाता है। कुरान पाक को आखिरी और मुकम्मल किताब कहा जाता है। उसके बाद हमारा अगला सवाल है, सवाल नंबर पाँच, चार अंबिया के नाम लिखें। इसका जवाब है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और चौथे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर हमारा छः है, नबियों के कोई से चार काम लिखें, ठीक है। इसका आंसर है, दीन की तालीम देना नंबर एक उनका, नंबर दो अच्छी बातें बताना, नेकी का हुक्म देना, और नंबर चार है बुराई से रोकना। हमारा अगला सवाल नंबर सात है, सबसे ज़्यादा उम्र किस नबी की थी और कितनी थी। इसमें आप लोग इसका जवाब लिखेंगे, नाम और उम्र अलग अलग ऐसे करके लिखेंगे। नाम है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कि उनकी उम्र ज़्यादा थी और उम्र जो है उनकी 1,000 साल थी। और सबसे कम उम्र किस नबी की थी और कितनी थी। नाम है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्र उनकी 63 साल। इसके बाद हम लोग अगले सवाल की तरफ आते हैं। ये मैचिंग वाला है, कॉलम अलिफ़ को कॉलम बे से मिलाएं। ये कॉलम अलिफ़ है, ये कॉलम बे है। इसमें आपने जब सेंटेंस कंप्लीट करना होता है, आप दोनों कॉलम को अलग अलग से पढ़ा करें और फिर देखें कि कौन सा सेंटेंस किसके साथ मैच हो रहा है, ठीक है। इसमें हम लोग अभी पहले पढ़ते हैं कॉलम ए को, अलिफ़ को, अंबिया की तादाद तमाम इंसानियत के लिए नबी बनाकर भेजे गए, अंबिया का बाप कहा जाता है, क़यामत तक रहेगा, 950 साल तक तौहीद की तबलीग करते रहे, और छठा है पहले नबी हैं, ठीक है। अब ये कॉलम अलिफ था, अब हम आते हैं कॉलम बे की तरफ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, दीन इस्लाम, और नंबर चार पे है हमारा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, और आगे है नंबर पाँच पे हज़रत 1,24,000, और पाँच छः पे है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हमने कॉलम अलिफ को कॉलम बे के साथ मिलाना है कि अंबिया की तादाद, अब हमने इस तरह पढ़ लें, किसके साथ मैच होगा, 1,24,000। अब ये इसकी जो नंबरिंग है वो यहाँ पर लिख सकते हैं या इसको मैच भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कॉलम बे में मैंने नंबरिंग नहीं लिखा है, जो इसकी नंबरिंग होगी वो आप इसके साथ करेंगे तो एग्जैक्ट इसका आंसर साथ मैच रहेगा। नंबर दो है, तमाम इंसानियत के लिए नबी बनाकर भेजे गए। अब इंसानों की हिदायत के लिए नबी कौन थे, तमाम इंसानों की, इंसानियत की। अब वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कौन है, ठीक है, तो वो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप इनका जो नंबर टू है वो यहाँ पे लिखते हैं, या आप लोग ऐसे मैच भी कर सकते हैं लाइनिंग में, अगर तो वो क्लियरली हो तो फिर आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ नंबरिंग लिखते हैं।
नंबर तीन है, अंबिया का बाप कहा जाता है किसको? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को। नंबर तीन अबू यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद नंबर चार है, क़्यामत तक रहेगा। अभी सारे आपके सामने दिए हुए, क़्यामत तक क्या रहेगा? दीन इस्लाम, यानी बाकी रहेगा, ठीक है। उसके बाद है नंबर पाँच पे, 950 साल तक तौहीद की तबलीग करते रहे। अब वो तौहीद की तबलीग किसने की 950 साल तक? वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। आगे है नंबर छः पे, पहले नबी हैं, और पहले नबी कौन थे? तो वह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हमने इसके आगे नंबरिंग, जो ये वाली नंबरिंग थी वही इसके आगे लिखी है, यानी कि मैचिंग के लिहाज से, ठीक है। आप लोगों को जैसे इजी लगे, ये नंबरिंग इजी लगे तो नंबरिंग कर सकते हैं, अदरवाइज मैचिंग लाइंस के साथ ड्रॉ करके आप करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये काम आप लोगों की कॉपीज़ पे बिल्कुल नीच और क्लीन होना चाहिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।